Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 विधान परिषद यानी कि MLC सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और समाजवादी पार्टी ने अपना खाता भी नहीं खोल सका है। सूबे की 36 MLC सीटों में से 9 सीटों पर BJP पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है और बाकी जिन 27 सीटों पर मतदान हुआ था उनमें से 24 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। इस तरह से BJP को सिर्फ 3 सीटों पर ही मात मिली है। तो अब आपके जहन में सवाल होता होगा कि भाई 36 विधान परिषद में अगर भारतीय जनता पार्टी लगभग 33 विधान परिषद सीटों पर जीत दर्ज कर ली है तो वो 3 सीट कौन सी है जो गड़बड़ा गई है और उन 3 सीटों पर आखिरकार किसका दबदबा है। दिलचस्प बात यह है कि सूबे की जिन 3 MLC सीटों पर BJP को हार का सामना करना पड़ा है वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे हैं। निर्दलीय जीतने वाले तीनों प्रत्याशी ठाकुर समुदाय से आते हैं। वाराणसी की बात कर ले, वाराणसी चंदौली भदौरी जो भदोही सीट है उस पर डॉक्टर सुदामा पटेल को निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह के हाथों मात खानी पड़ी है। अन्नपूर्णा सिंह की बात करता हूं तो माफिया जेल में बंद ब्रजेश सिंह की पत्नी है। वहीं अगर मैं बात करूं प्रतापगढ़ MLC सीट पर BJP प्रत्याशी हरि प्रताप सिंह को करारी मात हारनी पड़ी है। यहां पर कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की है, जो राजा भैया के जनसत्ता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। अक्षय प्रताप सिंह बाहुबली माने जाते हैं और प्रतापगढ़ सीट से लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की तरह MLC चुनाव में भी BJP प्रतापगढ़ में जीत नहीं दर्ज कर सकी है। आजमगढ़ में भी हारी BJP की तीसरी सीट आजमगढ़ में मात खानी पड़ी है, जहां पर BJP MLC यशवंत सिंह ने बगावत कर अपने बेटे विक्रांत सिंह को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा था। तो आजमगढ़ MLC सीट पर BJP ने रमाकांत यादव के बेटे अरुणकांत यादव को प्रत्याशी बनाया था, तो सपा ने राकेश यादव पर फिर से दाव खेला था। BJP ने यशवंत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन वो अपने बेटे को जिताने में कामयाब हो गए हैं। बता दें कि इस तरह विधानसभा चुनाव में BJP की जिन सीटों पर जमानत जब्त हुई थी उनमें से 2 सीटों पर विधायक नेता ठाकुर थे तो एक मुकाबले में रहा था। कुंडा सीट पर राजा भैया जनसत्ता पार्टी से जीते थे तो जौनपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के लक्कू यादव जीते थे, लेकिन यहां पर मुख्य मुकाबला JDU प्रत्याशी धनंजय सिंह से रहा था। ऐसे ही बलिया जिले की दसरा सीट थी जहां से बहुजन समाज पार्टी के उमा शंकर सिंह जीते थे। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भी BJP को जौनपुर और प्रतापगढ़ में मात मिली थी और जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी निर्दलीय जीती थी तो प्रतापगढ़ में राजा भैया ने अपने करीबियों को जिताया था। तो वो ये 3 सीटें थी जहां पर BJP मात खा गई और 3 सीटों पर 2 बाहुबलियों का दबदबा रहा है तो एक निर्दलीय चुनावी मैदान को जीतने में सफल हो पाए हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.